हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सो यू कैन सी राइट नाउ आई एम एट माय होम. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम वी हैड लॉट ऑफ फ्री टाइम. सो वी वर थिंकिंग व्हाट शुड वी डू, एंड सडनली देयर केम अ फोन ऑफ वन ऑफ आवर सीनियर्स हु वर इन रिक्वायरमेंट ऑफ सम मेडिसिन. तो उन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर व्हाट्सएप पर लिख के दे दिया कि किन किन डिपार्टमेंट में जाना होगा, क्या प्रोसीजर है पूरा, कहाँ पर्चा बनेगा, किन किन स्टेजेस से उसे गुजरना होगा, उसके बाद हमें मेडिसिन कहाँ मिलेगी. सो आई डिसाइड टू रिकॉर्ड होल प्रोसीजर, कैसे कैसे कहाँ होना है, कहाँ आपका हेल्थ कार्ड बनेगा, किन किन डिपार्टमेंट जैसे न्यू ओपीडी, ओल्ड ओपीडी, ये सब मैंने इसमें रिकॉर्ड किया. तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त जो प्रतीक, वो गए रीजनल साइंस सिटी, जो कि हमारे न्यू टीजी हॉस्टल उसी के पास में पड़ता है. तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि जितनी भी साइंस की इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी. तो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई हैव रिकॉर्डेड दैट ऑल्सो. सो यू कैन सी इट्स अ नॉट सो इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ ब्लॉग, यू कैन वॉच इट इफ यू वॉन्ट इट एंड यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट. तो सबसे पहले हम गए रेडियो डायग्नोसिस, रेडियो थेरेपी डिपार्टमेंट, जहाँ पर हमें अपना अपॉइंटमेंट लेटर बनवाना था एक तरह से फॉर द मेडिसिन डिपार्टमेंट. ये आप इसे देख सकते हैं अंदर से. यहाँ पर हमने अपना हेल्थ कार्ड बनवाया था कुछ महीने पहले और इनमें हमने हमें पर्चा बना के दिया. पी आर ऑफिस, जिला अधीक्षक कार्यालय या आई टी सेल का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर रिपोर्ट मिलती है आपको. ये कैश काउंटर है, ये बीपीएल काउंटर बिलो पॉवर्टी लाइन कैंसर का. अपॉइंटमेंट लेटर बनने के बाद हमें जाना था ओल्ड ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पुराना वाला. तो हम कलाम सेंटर के पास से गुजरे, तो आप देख सकते हो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है काउंसलिंग का. और ये सुबह का टाइम है तो कुछ बच्चे आए हुए हैं, देखिए आप, ये ज़्यादा भीड़ नहीं है वैसे, कुछ ही बच्चे आए थे उस टाइम तक. और अभी हम कैंपस से बाहर आ चुके हैं क्योंकि बाहर एक गेट है, वहाँ से ओल्ड ओपीडी के लिए खुलता है वो गेट. और ये मेरे हाथ में आप पर्चा देख सकते हो. तो अभी हम बाहर के गेट से एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं ओल्ड ओपीडी. तो अभी हम सेकेंड फ्लोर पर हैं ओल्ड ओपीडी के, जहाँ पर हम मिलेंगे डॉक्टर वी अतम, मेडिसिन के डिपार्टमेंट के जो सर हैं. और हमने देखा कि वो यहाँ पर थे नहीं, तो उनके जो काम करने वाले थे सीनियर रेजिडेंट, उनसे हम मिले. ये आप देख सकते हो स्ट्रीट टेकिंग ली जा रही है, कोरोना का टाइम चल रहा था तो इस वजह से क्या पॉलीथीन लगाई हुई है. और हमने उनको बताया, वहाँ से फिर उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और हम दवाइयों को लेके गए इस जगह पर. वहाँ पर मोहर लगने के बाद हमें से उस पर्चे को यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर उन सर ने साइन किया उस पर, और ये फाइनली पर्चा बन के तैयार हुआ. उसके बाद हम गए न्यू ओपीडी, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो न्यू ओपीडी की है, ओल्ड ओपीडी के जस्ट पीछे, ये नई बनी है इस वजह से न्यू है. ये इसके अंदर का व्यू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट बैठते हैं उनका शेड्यूल. फिर हमें उस पर्चे को यहाँ दिखाना था दवा वितरण केंद्र पर न्यू ओपीडी के, वही कर रहा था मैं. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उनकी प्राइसेस और वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरीज जो यहाँ पर होती हैं. यहाँ पर ये ट्रोमा का डिपार्टमेंट भी है और ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स. न्यू ओपीडी में काम पूरा होने के बाद हम दवा लेने गए, अंग्रेजी दवा खाना, ये जो है ये ओल्ड ओपीडी के सामने पड़ता है. ये आप देख सकते हो यहाँ पर टोकन भी बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर हमें यहाँ दवा मिल जाती है. अभी सिर्फ कुछ ही दवाइयाँ मिल पाई हैं, बाकी दवाइयों के लिए उन्होंने बोला है कि कल तक आएंगी वो, तो कल लेनी पड़ेंगी आके. उसके बाद हम सीधे चले गए ये साइंस सिटी, ये आपने अभी टिकट देखा, ये बाहर का कैंपस का पूरा लेआउट, कौन सा चीज़ कहाँ पर है, पूरा मैप एक तरह से. उसके बाद जो हमने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखी वो रैबिट्स केव, खरगोश की गुफा, वहाँ पर कई जगहों पर बनी हुई थी ये. पता नहीं साइंस सिटी में रैबिट्स केव की क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया.
डरते नहीं हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल पेंडुलम, वी शो हमने जो स्टडी करी थी फिजिक्स के अंदर, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो लेंथ जितनी ज़्यादा होती है बेसिकली। हाँ हाँ, तू पूरा चैप्टर पढ़ा दे ठीक है। यहाँ पर क्या काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे मोस्टली फिजिक्स से रिलेटेड, जिनको आप करके देख सकते हो, उससे आप समझ सकते हो लॉज को, फॉर्मूलाज को, जितने भी फिजिक्स होती है उसको आप, उसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हो। साथ में पूरी किस तरह से आपको उसको करना है वो भी लिखा हुआ था यहाँ पर बोर्ड्स पर एक्सपेरिमेंट के साथ में। यहाँ पर क्या है, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी हुई थी इनके ऊपर, काफ़ी पुरानी प्राचीन इतिहास की, पढ़ के देखा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन मोस्टली चीज़ें तो ऊपर से जा रही थी। ये आपका लीवर सिस्टम, ये कैक्टस कॉर्नर, और ये जो है परिदृश्य घर, इसको क्या है आप दूर से देखते हो तो इसका थोड़ा व्यू चेंज हो जाता है, थोड़ा अलग दिखाई देता है। ये सभी पार्ट्स कैमरे में के अंदर कंबाइन होकर ऐसा व्यू मिलता है आपको। और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है इनको, ये ब्लैक एंड वाइट चक्री हैं, इनको जब घुमाते हैं तो इनमें कलर अपीयर होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। अभी क्या है, सिर्फ ग्रीन वाला अपीयर हो रहा था एक चक्री में, लेकिन बाकी दोनों में हो नहीं पा रहा था पता नहीं क्यों। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो एक्शन रिएक्शन को दिखाता है आपका फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो, इसमें क्या है, हम इसको एक तरफ घुमाएंगे तो हम पर अपोजिट फोर्स लगती है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं इसी के साथ में। ये आप देख सकते हैं कि मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। ये आपका संडाल है, धूप निकली नहीं हुई थी उस टाइम पर, वरना टाइम देख सकते हो आप धूप के हिसाब से। ये टॉप ऑफ बार, और यहाँ पर काफ़ी सारी स्टैचूज भी थी। ओ भाई ये बढ़िया है। ये आपकी एक्रोबैटिक बॉल, अच्छा इसे क्या है स्पाइरल पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ढंग से छोड़ नहीं पा रहे थे ऊपर से हमें से। ऐसे रखो ना। हाँ और तरीके से रखो। ठीक है सर, ठीक है प्रॉपरली ड्रॉप होगा तभी हो पाएगी ये स्पाइरल पाथ को फॉलो। लोएस्ट पोजीशन अंटिल द रॉक, नीचे वाले स्थान पर रख के छोड़ दें, आप पाएंगे कि यह ऊपर की ओर जाता है, पहुंच जाएगा एकदम। ये जो कोन है वो ग्रेविटी को फॉलो नहीं करता है, क्या है जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुक नहीं जाता है, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट की बजाय हाईएस्ट पॉइंट पर जाके स्टेबल होगा। ये वेट पुल करने का एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट रेडियस ऑफ पुलीज, और ये कुछ हर्ब्स का गार्डन है, कई तरह की रेयर हर्ब्स हैं। उसके बाद हम गए 3D शो देखने, जो कि शाम को 4 बजे होता है। शो देखने के बाद हमें जाना था आंचलिक विज्ञान नगरी। ये चीज़ मुझे मस्त लगी, इसमें क्या पानी ऊपर से नल से गिर रहा है, लेकिन इसमें ये समझ नहीं आता कि पानी इसमें वापस आ कहाँ से रहा है। अगर आपको पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये कुछ वर्किंग मॉडल्स, रिएक्टर बिल्डिंग, टर्बाइन बिल्डिंग, और ये हिस्टोरिकल मॉडल्स हैं कुछ। यहाँ पर कई तरह की पजल भी थी, जिनमें क्या आपको देखकर उसको ऊपर देखकर आपको उसी तरह से बनाना होता है उसको। उसके बाद फिर हम गए एक्वेरियम में, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेस थी, वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस अलॉन्ग विद देयर होल इंफॉर्मेशन एंड नेम, उनमें से कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया एक दो। तो ये वाला जो फ्लोर है पूरा वो अंडर वाटर क्रिएचर्स के लिए बना हुआ है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है, ओशियन, समुद्र, ये आप देख सकते हो सीनरी, मी विद माय फ्रेंड, ये सिमुलेट किया गया, और ये DNA का मॉडल। ये वाला फ्लोर जो है इसमें कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी जेनेटिक्स, और यहाँ पर कई तरह के स्पोर्ट्स
से रिलेटेड सामान भी रखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना पूरा बॉडी का चेकअप कर सकते हो, हर तरह की पावर को मेजर कर सकते हो। ये एक तरह की पजल है जिसमें आपको इस प्लेट को इस तरह से स्टेबलाइज करना होगा कि बॉल उसके अंदर रुकी रहे सेंटर पर। मतलब यहाँ पर कई तरह के टेस्ट हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा सकता है, आपकी पूरी फिटनेस को टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हर तरह का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इस फ्लोर पर। यहाँ पर वैसे देखने के लिए काफ़ी कुछ है, आपको अगर सारी चीज़ें देखनी है तो आपको एक पूरा दिन चाहिए। हम काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके लेकिन फिर भी पूरा देख नहीं पाए, काफ़ी सारी चीज़ें फिर भी छूट गई, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर पाया मैं। ये आप देख सकते हो इस फ्लोर पर सभी स्पोर्ट्स रिलेटेड सामान है, ये वॉल क्लाइंबिंग और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सबके इंस्ट्रूमेंट्स। और ये हमारे ब्रेन का बड़ा सा मॉडल, ये पूरा हाउस का स्ट्रक्चर, सभी रूम्स का उसका मॉडल। ये ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाता है पूरा मॉडल। इसके बाद हमें जाना था प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क, जहाँ पर एंशियंट जितने भी क्रिएचर्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स, उन सबके मॉडल्स रखे हुए हैं। जैसे कि ये फ्लैटलेस बर्ड है, डायट्रीमा। दिस इज योर सियानोगनेथस, सो इट इज योर स्टेगोसोरस, ये वाला लंबी गर्दन वाला जो आपने एनसीईआरटी में देखा हुआ, ब्रेकियोसोरस। और ये आपका है स्टेगोसोरस। देख सकते हैं नियंडरथल मैन, ये जो है पत्थर उठा के मारने की कोशिश कर रहा है मुझे। दिस वन एंकाइलोसोरस, ये है आपका वेलोसिरेप्टर। ये है आपका प्रोंकोसुल एप, ये जो पीछे बैठा है वो है आपका मेगाथेरियम। ये आपका एक बाघ है, इसको बोलते हैं स्माइलोडॉन। ये सबसे बड़ा डायनासोर है वो ये वाला है, आप देख सकते हो, इट्स सो ह्यूज। ये देखिए सब दांत देखिए, ये बालों वाला गेंडा बुली मेमथ। ये आपका कस्तूरी बैल है और ये बड़ा सा मेमथ। अब ये जो है वो आपका एक हर्बी हो रहा है, यूनिटा थोरियम। अब ये वाला डायनासोर जो है वो है एटेनोसोरस। ये फ्लाइंग डायनासोर डेनोडॉन। सो दैट वाज ऑल, आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज सरस्वती पूजा ऑन 5 February, सो वी हैव टू रिटर्न आवर होस्टल एज सून एज पॉसिबल, एंड आई होप योर काउंसलिंग हैज गॉन फाइन। सो मिलते हैं जल्दी से, आपको आपका ड्रीम कॉलेज अच्छी तरह से मिल जाए, दैट्स माई विशेज। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन इट्स योर बॉय अभिषेक सिंह कोयल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।